Sneha Tomar, thank you so much for joining me on Times Network and Teletalk, and it's lovely seeing you. I guess I'm disturbing you at your Sangeet. नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. थैंक यू सो मच. ओके सो टेल अस, ये फंक्शंस क्या क्या हैं, कहाँ पर हैं, कितने दिन हैं? फंक्शन सारे अहमदाबाद में ही हो रहे हैं, और हल्दी मेहंदी संगीत. तो आज संगीत है, हल्दी और मेहंदी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और ये सारे फंक्शन हम अहमदाबाद में ही कर रहे हैं. ओके प्लीज शो द मेहंदी टू आवर व्यूअर्स. यस ऑफ कोर्स. या या कांग्रेचुलेशंस नेहा, एंड टेल अस अबाउट योर लव स्टोरी. टेल अस हाउ दिस लव स्टोरी. योर लाइफ, वेयर डिड यू मीट हिम, हू प्रपोज्ड टू हूम फर्स्ट, एवरीथिंग. एक्चुअली हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे. मैं एक राजस्थानी वेब सीरीज कर रही थी, जैसा कि वो क्रिएटिव हेड है स्टेज ऐप में. स्टेज ऐप लाइक नेटफ्लिक्स जैसा है, जैसे नेटफ्लिक्स पे हमारे हिंदी शो आते हैं, वहां पे राजस्थानी और हरियाणवी आते हैं. तो मैं उनकी एक राजस्थानी वेब सीरीज कर रही थी, तो वो सेट विजिट करने आए थे, और मेरी बहुत सारी कंप्लेन थी वहां पे, ये रूम अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. और चैनल वाले डायरेक्ट आपको मिलते हैं तो कैसा है, हाँ चैनल को बोलो अब काम निकल जाएगा. तो हम बहुत रैंडम मिले, और मिलने के बाद होता है ना, एक बात स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, दोनों बात कर रहे हैं, तो हमारी बात स्टार्ट हो गई, और एक होता है कि आपकी वाइब मैच होती है. तो ऐसा हुआ कि यार ठीक है, यार अच्छा है, डिसेंट है लड़का, शांत है. आजकल शांत लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं. तो बस ऐसे ही हमारा मिलना हुआ, एंड देन बातें स्टार्ट हुई, और फिर अब शादी हो रही है. So, Shubham is his name, right? Shubham. Yeah, Shubham Parihar, right. Yeah. So, tell me, was there any parental objection from either side? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं, बिल्कुल किसी के साइड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था. रीजन एक ये भी था, हमारा प्लस पॉइंट ये था कि मैं राजपूत हूँ, वो भी राजपूत है, और राजपूतों का कैसा होता है ना, अदर कास्ट के लिए बहुत इश्यू होते हैं, अदर कास्ट नहीं करनी है, बचपन से ही आपको ऐसे अदर कास्ट एंड ऑल दैट. तो हमने कहा यार वाइब भी मैच हो रही है, लड़का भी, पेरेंट्स का भी कोई इशू नहीं होने वाला है. तो हमने कहा मतलब ये तो होता है ना कि सोने पे सुहागा टाइप. तो पेरेंट्स का भी कोई इशू नहीं था. तो कैसे बताया आपने घर पर? हाउ डिड यू ब्रेक द न्यूज? घर पर बहुत ही इजीली बता दिया कि यार ऐसे ऐसे लड़का है. पहले मैंने अपने भाई से शेयर किया था, तो भाई ने, मुझे पता भी नहीं, और भाई ने घर पे बता दिया कि दीदी मैंने ऐसे ऐसे पापा को बता दिया है, और ये बात है. मैंने कहा पागल है तू, तूने क्यों बताया, अभी से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एंड ऑल दैट. पर पापा के रिएक्शन ऐसे थे, कौन है लड़का, अगर अच्छा है तो मिलते हैं ना, फाइनल करते हैं, शादी वादी करो. फिर ये क्या हुआ, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही सब हो गया इजीली. Okay, it was very easy. Because you have mentioned in your post that, you know, being a Rajput, it is a little tough to break into perhaps the entertainment business. That's what you meant. So, आपको कोई resistance आया था क्या parents से जब आप TV में actress बनने आई? हाँ, मतलब starting में तो कैसा था कि इतनी मुझे भी knowledge नहीं थी, और पापा का भी सेम सीन था कि नहीं एक्टिंग नहीं करनी. एक्टिंग के लिए ना एक लोगों ने अपना अलग ही माइंडसेट बना रखा है कि पता नहीं एक्टिंग में तो क्या होता है, क्या है क्या नहीं. और मैंने अभी तक जो फेस किया है ये है कि भाई आप ऑडिशन दो, ऑडिशन आपने ब्रेक किया है तो आपका आगे सिलेक्शन होगा, दैट्स इट. तो मुझे अभी तक सारे अच्छे लोग मिले, और मैं एक जॉब की तरह वर्क कर रही हूँ इंडस्ट्री में. मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे ये फेस करना पड़ा. और मैंने सुना है कि मूवी इंडस्ट्री और ये जैसे वेब सीरीज वगैरह में बोल्ड सीन्स वगैरह भी होते हैं, देखे होंगे आप सबने, देखे हुए हैं. तो मेरा माइंडसेट ऑलरेडी था कि मुझे ये कभी भी वेब सीरीज नहीं करनी है, वेब सीरीज करूंगी तो बोल्ड नहीं करना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इतना अलाउ किया, वही मेरे लिए बहुत, मतलब काफी था. तो मैंने सोचा यार ठीक है, टीवी करके करते हैं अपना, और अच्छा चल रहा है टीवी में, तो सब ठीक ही अभी. तो अभी शुभम भी बोल्ड सीरीज बनाएगा तो आप नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बोल्ड तो नहीं करूंगी मैं. ओके सो हु ऑल आर कमिंग फॉर द शादी व्हिच इज ऑन 28th, राइट? 28th, या कल ही है 28th. सॉरी, या 28th टुमारो. सो टेल मी हु ऑल आर कमिंग, हु आर द फ्रेंड्स फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री? एनीबॉडी फ्लाइंग टू अहमदाबाद? मैं अभी जो शो कर रही हूँ, जो मेरा अभी शो चल रहा है, वो
वो तुलसी धाम के लड्डू गोपाल। और मैंने क्या है ब्रेक लिया उन लोगों से कि यार ऐसे ऐसे शादी है, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जो शो कर रही हूँ मैंने उनको भी इनवाइट किया, तो वहां पे भी ये सीन हो रहा है कि शूट कंटिन्यू वो लोग शूट कर रहे हैं, तो मेरे साथ के को एक्टर्स हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं शूट की वजह से। तो और एकदम से बहुत सारी चीजें ना एकदम रैंडम हुई हैं, ये शादी वादी और ये सारी चीजें। क्या मुझे भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा वो शादी हो रही है, ओ मैं इतनी बड़ी हो गई, वो मेरा भी अभी वो जोन चल रहा है। तो अभी ऐसा है कि ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, सबको इन्वाइट किया है, बट एकदम से क्या होता है किसी का कोई शो चल रहा है किसी का कोई, इतना इजी नहीं हो पाता ना। तो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है, So अगर कोई एकदम से आ गया। you'll have a party in Bombay. हाँ ऑब्वियसली हमारा शो वापस से अब कंटिन्यू करूंगी, तो पहले से ही सबने बोल दिया हम लोग अगर नहीं आ पाए तो फिर यहाँ पे पार्टी वार्टी तो करनी होगी। मैंने कहा ठीक है करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. So how long you know Shubham? I mean, how long you were dating him? 1.5 year। Okay. And you didn't answer the question, who proposed to whom first? मतलब यार पता है ये ना बहुत कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, मतलब समझ में ही नहीं आता कि ये कैसा हुआ कि बातें स्टार्ट हुई, यहां से भी हो रही है यहां से भी हो रही है, इंटरेस्टेड दोनों हैं एक दूसरे में। वो धीरे 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 बातें स्टार्ट हुई एंड देन सडनली वो चीजें दोनों तरफ से हुई, हम दोनों ही कंफ्यूज हैं कि कब ये कहा कैसे क्या चीजें हुई। तो ये हमें ही नहीं पता कि किसने किसको प्रपोज किया, बस And होता है ना बातें ही बातों में सब चलता गया। और वो yeah, the connect was so smooth and organic also. राइट His plus points, what are his plus points? प्लस पॉइंट यही है कि वो बहुत शांत है काम, एंड अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो वो सुनते हैं कि हाँ ठीक है ओके अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैंने उनको बताया कि यार मैं मुझे एक्टिंग करनी है और करियर मेरा ऐसे ही मुझे कंटिन्यू रखना है, ये नहीं कि शादी के बाद चीजें चेंज हो जाएंगी और ये सारी चीजें। तो वो बोले कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी वाइफ हो, मतलब अब तो ऑब्वियसली तुम हो, तो बोले मैं चाहता हूँ कि मैं जो तुम हो उसे एक्सेप्ट किया है मैंने, मैं तुम्हें चेंज नहीं करना चाहता। तो मैं जब भी बॉम्बे जाना है बॉम्बे रह के काम करना है करूँ, हमसे जितना होगा, मतलब फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, उनकी मम्मा भी सेम चीज बोलती हैं कि यार आप अपनी एक्टिंग को अपना मतलब प्रायोरिटी आपकी वही है, आप उसी को रखो, हम सब चाहते हैं आप आगे बढ़ो बस। तो यही सारे एक लड़की को यही चाहिए होता है कि एक सपोर्टिव फैमिली मिले, तो यही सारे प्लस पॉइंट काफी सारे हैं। तो यही So you will come to Bombay for work, but now you're shifting your base to Ahmedabad. शिफ्टिंग ऐसे प्रॉपर तो शिफ्टिंग नहीं है एक्चुअली, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ रहने वाली हूँ। अगर अभी जैसे मेरा शो चल रहा है तो ऑब्वियसली मुझे बॉम्बे ही रहना है, और अगर शो नहीं चल रहा है तो इंदौर, और इंदौर के बाद फिर दिल्ली, वो नोएडा में है उनका ये स्टेज है, तो फिर नोएडा। ओके ओके दैट्स बाकी अब एक्टिंग करनी है तो बॉम्बे तो रहना ही पड़ेगा। राइट. सो वेयर इज द हनीमून? ये सारी चीजें ना शो के चक्कर में अभी सब इधर उधर हुआ है, अभी ब्रेक लिया है मैंने 20 to 25 days का, पर वो ब्रेक क्या है कि अब जब ट्रैक चेंज होता है, अभी तक हमारा ट्रैक चल रहा था, अब उन्होंने ट्रैक चेंज किया है तो स्टोरी पूरी चेंज हो जाती है, टीआरपी चेंज होती है शो की उसी अकॉर्डिंग। तो अभी वो ब्रेक कब तक जाता है क्या होता है, तो ये शो की वजह से कुछ सोच ही नहीं पाया मैंने आगे की क्या है। मैं बोलती हूँ कि मतलब मेरा सोचना ये है कि एक बार ये शो का क्लियर हो जाए कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद मेरी एक और शो में बात चल रही है, ऑलमोस्ट सब डन है, उनकी शूट डेट्स डिले हो रही है, तो अभी शूट की वजह से कुछ भी प्लान नहीं किया है मैंने। Not even a short holiday. नो नथिंग। Okay. और रैंडमली अगर हो गया तो फिर पता नहीं, अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है कुछ भी, नथिंग। ठीक है. थैंक यू स्नेहा. थैंक यू फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ थैंक यू एंड थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।